नमस्ते, स्टडी लैब्स पे आपका स्वागत है। तो हम बहुत दिनों से जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे फ्लूट, गिटार, इन सब का साइंस डिस्कस कर रहे हैं। और इसका साइंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इस तरीके का अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। मैंने क्या किया है, एक बॉटल ली है, यहाँ पे एक स्ट्रॉ लगाया है और इसके जस्ट आगे एक छेद किया है बड़ा सा, और साइड में मैंने यहाँ पे एक स्लिट काट दी है और इस दूसरे साइड भी स्लिट काट दी, मतलब दोनों साइड पे इधर और इधर एक स्लिट कटी हुई है, और मैंने यहाँ पर भी इस ढक्कन पे भी एक छेद कर दिया है। और अब इसको देखते हैं कि कैसे ये बजता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बिल्कुल बांसुरी की तरह बज रहा है ना। इसमें एक वेरिएशन ये तो मैंने किया कि एक एक करके उंगली हटाई, एक वेरिएशन ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ के स्लिट में साथ में उंगलियों को चलाएं कुछ ऐसे। तो मैं इधर भी ऐसे चलाऊंगा और इधर भी ऐसे चलाऊंगा। तो उससे भी आवाज में फर्क आ रहा है। तीसरा वेरिएशन कि मैंने यहाँ पे छेद किया है और इस छेद को भी मैं अगर खोलूंगा, इन दोनों को तो बंद रखते हैं लेकिन इसको भी खोलने बंद करने पे आवाज़ में एक वेरिएशन पता चलता है। तो आपने देखा कि कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ जाओ तो उससे आप अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो। और अभी तो मेरी इस पर प्रैक्टिस नहीं है, वरना इस पे जो आप कह सकते हो कि सरगम निकालना है वो भी निकाल सकते हैं और बहुत बेहतरीन डिस्कशंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना सकते, छोटे बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे हैं आप उनसे सिर्फ मेकिंग करवाइए बनवाइए, लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके साथ आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है तो हम जिधर से फूकते हैं हवा इधर से खुला हुआ एंड है वहाँ से निकलती है और ये वाला एंड बिल्कुल बंद रहता है फ्लूट का, है ना। तो इसमें पीछे की तरफ भी मतलब हवा तो इधर जा रही है स्ट्रॉ से, लेकिन इधर वाले छेद को भी खोलने बंद करने पे जो उसके पीछे है वहाँ से भी आवाज़ निकल रही है। थोड़े से और जो बच्चों के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो कि इसमें क्या वाइब्रेट कर रहा है, क्या ये ऊपर वाली हवा इसके अंदर जा रही है, क्या अंदर की हवा वाइब्रेट कर रही है, क्या ये बॉटल प्लास्टिक की वाइब्रेट कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों से बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे आप बात कर सकते हो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। बाकी फिर इसको बजाने का और बनाने का अपना मजा तो है ही।